राधे राधे दोस्तों, हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं दिखाती हूँ सुबह सुबह क्या चल रहा है। ये देखो, पति देव के लिए ब्रेकफास्ट बनाया मैंने। चटनी, स्पून ले, इसको भी खाएंगे क्या? अभी इनके ऑफिस जाने की तैयारी है, अभी ऑफिस चले जाएंगे। कैसा बनाया सैंडविच? टेस्टी, बहुत टेस्टी। ये मैं पहला बंदा हूँ, पहला प्लेयर हूँ जो अब एंट्री कर गया हूँ ग्राउंड में, और मैं अब वेट करूँगा अपने टीम मेट्स का और अपोनेंट टीम का। एमएम गया, हेलो भाई, लास्ट हो, लास्ट बैट्समैन। जेंगो जेंगो जेंगो, बस 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 बस। ये बता दीजिए, आप बताइए। आधे से ज्यादा बाल सफेद है, क्या ही बताएं। फिर जो स्ट्रगल चल रही है इसके बारे में कुछ कहें? अगर क्लोज चला गया मैच तो अच्छा लगेगा। किसके क्लोज सर? अभी फिलहाल तुम गाड़ी के पास जाती दिखाई दे रही। नहीं नहीं, कुछ होगा नहीं, मैच जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे जी। चीयर्स। प्रदीप गए मैच खेलने और मैं बहुत लेट हो रही, तो मेरे बेटे ने हेल्प की आज एक चीज में ना। ये देखो, मेरा बेटा दिया जला रहा है कि मेरा बेटा दिया जला रहा है, कह रहा है कि मम्मी आप जल्दी से खाना बना दो, मैं दिया जला दूंगा। अभी नहा के फटाक से दिया बाती कर रहा है। भगवान इसको सद्बुद्धि दे, माता रानी का। हो गया कीवी मैंगो का सोने का टाइम, पर मैं तेरी रोटी। कभी कभी तो पर इतना अच्छा बच्चा हो जाता है, बहुत अच्छा। अच्छा, इसका खाना खाने का स्टाइल ऐसे कौन खाता खाना, तो टेबल किसके लिए? मतलब बुड्ढों की तरह ये सारे शोल्डर तेरे ना, ये कितने झुकते आ रहे बुड्ढों की तरह, ऐसे डाउन हो गए। नहीं होते, पिलो नीचे रखे साइड में, नीचे गिर गिर के, ऐसे कौन खाना खाता है? पर ये तो मैं जब भी नीचे बैठ। दाल कैसी बनाई मम्मी ने? गंदी दाल है। तो गंदी क्यों बोला? आपने मेरी बेइज्जती, बेइज्जती थोड़ी ना करी बेटा। ये तो सब जो देखेंगे वो बोलेंगे ना मम्मी सही है, ऐसे नहीं खाते बेटा खाना। तो पापा भी तो ऐसे खाते हैं। पापा तो टेबल पर बैठ के खाते हैं। अच्छा, ज्यादातर टेबल। मम्मी क्या खा रहे हो? आपने जो रोटी छोड़ी थी ना, फिर मैं पहले सोच रही थी, पापा का वेट कर रही थी। दो रोटी मेरे लिए बहुत होती है भाई। तो कि 9 बज के 9:12 हो रहा है और आज हमने कुछ भी नहीं करा। मतलब कुछ कुछ दिन ऐसे होते ना जहाँ पर कुछ करने का बिल्कुल मन नहीं करता, तो आज वो दिन था जहाँ मैंने आज कुछ लाइक पूरे दिन कुछ नहीं करा ना, कोई मतलब कोई काम ही नहीं किया आज मैंने। इनफैक्ट मैंने आज लंच भी नहीं किया। तो अब जा रही हूँ मैं डिनर करने, और मैं डिनर करूँगी, उसके बाद कल मेरा प्रैक्टिकल है तो उसके लिए थोड़ा पढ़ूँगी। और जो मैंने बुक पढ़नी स्टार्ट की थी ना, वो बुक बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट, तो वो मैंने ऑलमोस्ट फिनिश कर दी है। तो आप लोग ये, अगर किसी को बुक रीडिंग का शौक है, स्पेशली स्पिरिचुअल बुक्स, तो वो ये बुक पढ़ सकते हैं, ये बुक बहुत अच्छी है। मैंने अपना डिनर कर लिया और ये देखो ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये लैपटॉप पर लगे हुए हैं, बालों पर लगा रखी है इसने कॉटन। और पापा गए हैं आज, आप सोचोगे पापा कहाँ हैं, पापा गए हैं आज क्रिकेट खेलने, आज उनका मैच था, पापा वहाँ गए हैं। और मम्मी कहती है ना मैं फ़ोन पे बात नहीं कर रही, तो मम्मी अभी बालकनी में अपनी किसी फ्रेंड से या पता नहीं किससे, अपनी फ्रेंड से कॉल पे बात कर रही। मम्मी की पोल पकड़ी गई आज तो। मम्मी हमेशा झूठ क्यों बोलती है? पर आप गेम क्यों खेल रहे हो आज? बहुत दिन बाद, 3 दिन बाद। तो रोज गेम खेलता, रोज यही बोलता है मैं 3 दिन बाद खेल रहा हूँ, 4 दिन बाद खेल रहा हूँ। कल थोड़ी ना था, परसों भी थोड़ी ना था, उससे पहले भी तो थोड़ी ना था। खेला तो था तूने कल परसों। कल कहाँ खेला था, कल लैपटॉप खोला ना। परसों तो पूरा दिन खेला तूने। परसों था, मम्मी 4 दिन पहले गई थी। परसों गए हम लोग, परसों नहीं गए, परसों गए, परसों गया। पर तेरा गेमिंग चैनल कब आ रहा, तूने बोला था तो
पर्व लैपटॉप के लिए टाइम होना चाहिए, पर्व के पास टाइम नहीं है। जो इंसान पूरा दिन लैपटॉप पे लगा रहता है वही कह रहा है मेरे पास टाइम नहीं है। रनिंग करने तो जाता नहीं हूँ मैं। रनिंग तो सिर्फ एक घंटे जाता है, पूरे दिन क्या करता है बाकी के लैपटॉप में? ज्यादा कुछ शूट भी नहीं किया ब्लॉग में, आज बिजी थे हम सारे। हाँ बिजी थे कुछ नहीं करने में। हाँ मम्मी बचपन में बहुत शैतान थी, उसकी निशानी है। हाँ निशानी तो उसकी है। तो इतनी बचपन में शैतानी क्यों की? नहीं। किसी ने बोला था? अरे मैं तो जब 6 महीने की थी क्या शैतानी करूँ, तो सोचो 6 महीने में ही शैतान थी। 8 साल की होंगी। किसने बोला था इतनी शैतान होने को? शैतान लोग कहीं के पता है मम्मी हमसे ज्यादा शैतानी करी है बचपन में। नहीं बिल्कुल भी नहीं। हाँ किसने बोला? नानी ने। मैं बहुत आइडल बच्चा थी। ये आपके आपको लगता है ना, ऐसे मुझे भी लगता है मैं बहुत आइडल बच्ची हूँ। पर को भी लगता है वो बहुत आइडल है, हर बच्चे को यही लगता है। मैंने कभी पर उनके पेरेंट्स सच बताते हैं। नहीं मैंने कोई शैतानी नहीं की, मैं बहुत समझदार बच्चा थी अपनी मम्मी पापा का। मैं बहुत काम करती थी और अपने भाई बहनों को तंग करती थी। नहीं मैं अपने भाई बहन मैं अपनी बहन को बहुत मारती थी। अगर मामू या मासी आएंगे ना तो वह बताएंगे इन दोनों ने कितना अत्याचार करा है बेचारों। नहीं मैंने भाई को नहीं मारा, अपने को। टॉर्चर बहन। अभी पता क्या हुआ, अभी एक एक, एक, एक आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ कल परसों का ना, कि जिससे हम ब्लॉगिंग करते हैं ना, इसका एक नया नंबर है इस वाले फोन का, तो वो मैंने किसी को नहीं दे रखा, जस्ट लिया ही था। और जो मेरा नंबर है उससे पर क्लास ले रहा होता तो मैं भूल गई कि मैंने इसी से मैसेज कर डाला अपने भाई को ना, और भूल गई नया वाला नंबर तो उसके पास है ही नहीं, और वो मेरा फोन पिक नहीं कर रहा। तो मैंने उसको लिख के भेजा, कुत्ते फोन तो उठा ले, कुत्ते फोन। और वो इग्नोर कर रहे कि ये कौन है। फिर उसके बाद मम्मी कॉल कर दिया, मम्मी कह रही फोन क्यों नहीं उठा रहा मेरा, मैं बड़ी परेशान हूँ फोन नहीं उठा रहा। मैं कहा मम्मी नए नंबर से करोगे तो कोई भी फोन नहीं उठाएगा। फिर जब मैंने उसको गाली लिख के भेजी मैंने ना, तब वो समझ गया ये वाली गाली मेरी बहन ही दे सकती है मुझे। फिर कॉल बैक आई उसकी ना। हमने इस नए नंबर का बहुत अच्छे से फायदा उठाया, हमने पापा को प्रैंक करा है, हमने मासी को प्रैंक करा है, हमने अब मम्मी ने पोल खोल दी, वरना मेरे को और लोगों को प्रैंक करना था, बट कोई नहीं। पापा को कैसे किया बताओ? पापा को मैंने मैसेज करा पहले, हेलो हाउ आर यू, फिर पापा का रिप्लाई आया हु इज दिस, आई एम गुड। फिर ना ऐसे जैसे पापा की कोई गर्लफ्रेंड है स्कूल की टाइप, कॉलेज की टाइप, मैं ही मैसेज करी हूँ हेलो डार्लिंग हाउ आर यू। आपने पहचान के पापा का बहुत पोपट बनाया मैंने। उधर से आंसर क्या है पापा की ये तो बता, पापा ने ये आंसर लिख के भेजा तो मैंने लिखा आर यू इंटरेस्टेड इन मी, पापा कहते नो नॉट एट ऑल बाय, कुछ ऐसे ही लिखा था। मैं अननोन लोगों से बात नहीं करता। हाँ मैंने लिखा था कैन वी प्लीज मीट, तो पापा कहते नो आई डोंट मीट अननोन पीपल, कहते डार्लिंग तो मेरी बीवी के अलावा मुझे कोई नहीं बोल सकता। मैंने डार्लिंग बोला ना तो पापा बोलते कि एक्सेप्ट माय वाइफ नो वन कॉल्स मी डार्लिंग, तो पापा पहचान गए। उसके बाद ना मैं ऐसे एक इमोजी ऐसे हैराम टाइप, तो वो मैं बहुत बेचती हूँ, तो पापा ने घर आते ही सबसे पहले ये बोला, कहते ये पक्का किट्टू होगी क्योंकि किट्टू ये इमोजीज बेचती है हर कॉन्वर्सेशन में। तो इसका मतलब ये कि चोर जब चोरी करने जाता है तो कहीं ना कहीं अपना वो क्लू छोड़ के आता है। पापा ने बड़ी स्मार्टली पहचाना, उन्होंने उसी नंबर पर कॉल कर दिया क्योंकि उनको डाउट था कोई घर का ही इंसान है। पता मैं एक दिन आपको अपनी अच्छी आदतों के बारे में बता रही थी, अभी अपनी बुरी आदतों के बारे में बताती हूँ। मैं पता अपने कॉम नहीं करती कभी। अरे वो पता हर व्लॉग में यही चीज़ नहीं बताती। नहीं तूने डालती नहीं है क्योंकि हर व्लॉग में रिपीट होते ना, इसलिए मैं पोल काट देती हूँ। नहीं नहीं डालती नहीं है, ये सच बात है, क्योंकि मुझे अब याद आ रहा है तो खुशबू आ रही है ना, मेरे बालों में से ऑयल की आ रही है, मैंने किया था लेकिन मैंने ऐसा लगता नहीं है ना, मैंने कॉम नहीं किया लगता ना, कॉम नहीं किया आज तो मैंने भी नहीं किया, ये ऑयल लगा हुआ है ना, फेस वॉश करना है यार मुझे ना। ये ऐसे कौन रोकते हैं, नींद आ रही है यार, पता अभी मुझे नहाना पिया यार, पापा के मैच ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। एक हमारे घर में एक प्राणी है जो पूरे दिन में नहीं नहाता, एक हम प्राणी है जो दो बार नहाते हैं। नहीं पर आजकल दो बार नहाता, खुद हमेशा वो करती है उसका, अब देखती नहीं आता है कितनी रनिंग करके आता है बेचारा, खेल के आता है। आज पर्व मेरी फिर से लड़ाई हुई लैपटॉप के चक्कर में,
वो लैपटॉप क्या देता नहीं है? ये देखो डिप्रेसिव आत्मा, जब बेटे की बुराई करो तो शक्ल ऐसी बन जाती है। ऐसा कुछ नहीं है जी, नहीं पता कि जब मैं से कूटती हूँ तू नहीं कूटती तब तेरे को कैसा लगता है? जब पल पिटता है ना मेरे को इतना रिलीफ फील होता है, मेरा स्ट्रेस बस्टर है पर्फ को मारते हुए, लाइक मार खाते हुए देखना। और ये मेरी कान बढ़ती रहती है ऐसे ना, वो चुगलखोर आंटी की तरह। हाँ मैं कब बढ़ती हूँ, मैं पर्फ के सामने बोलती देखो इतने, इतने एक इतनी सी बात को इतना बड़ा बना के बताती है वो, सिर्फ मैं पापा को बताती हूँ, आपको फायदा नहीं है। ऐसे नहीं ऐसे ही, और पता है ये भूल जाती है कि उससे इतनी बड़ी है, 8.5-7.5 साल तो पर अब छोटा नहीं है, पर 11 साल का पर को ऐसे मम्मी ट्रीट करती है, पर 2 साल का यार बच्चे है। गली भी वो भी बच्चा ही है, किड्स में ही आता है वो ना, 11 साल का क्या होता बूढ़ा यार। तो 11 साल के बच्चे में अकल तो होती कि 11 साल का बच्चा और 2 साल के बच्चे को कंपेयर नहीं कर सकते। 11 साल के बच्चे को ये 18 कि किसी को लैपटॉप चाहिए काम के लिए तो उसको दे देना चाहिए, पता होता है ना वो लैपटॉप उठा के उसने फेंका है। 18 साल के बच्चों को ये नहीं समझ में आती कि टाइम पे उठना चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए। आप पर मुझे रात में सोने नहीं देता, उसको रात में नींद नहीं आती, उसको रात में पढ़ाई करनी होती है, उसको रात में स्टोरी बुक पढ़नी होती है, उसको सारी दुनिया भर के काम रात में याद आते हैं। अगर पर्फ को मेरे रूम से भगा दिया जाए तो मैं रात में 11 बजे या 12 बजे टाइम पे सो जाऊंगी। आज तक तो ये कभी 6 बजे आज तक नहीं उठी कभी। स्कूल कौन जाता था? आप अब तो स्कूल जाना भी भूल गई होगी, तो 2 साल से तो स्कूल बंद है तेरे। क्यों मैं अभी नहीं गई थी? और इनकी जब पता घर के नीचे बस आती है और जब ये बस वाले भैया हॉर्न बजाते बार बार तब मैडम उठ के जाती हैं, इनका ये हाल है। वो मेरे साथ सिर्फ हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार होता है, हमेशा ही होता है। हाँ, हमारे लिए तो मम्मी जिद क्यों करती, खा के जाओ। तू ही बोलती है ना फिर चक्कर आते हैं। मैंने कब बोला चक्कर आते हैं? पेट में दर्द होता है, एसिडिटी होती है। चलो यार फाइनली अब पता चला व्लॉग के चक्कर में मेरी और मम्मी की लड़ाई हो गई। सो आज ये अपनी ये यार कमेंट करके बताओ, ये बेचारी मम्मियों की बड़ी मिट्टी खराब है यार, कसम से हम तो इतना डरते थे मम्मी से अपनी से। तो आप चाहते हम आपसे डरे? यस, मैं बदला लूं जैसे मैं डरती थी ना। वो आपके सपने में ही हो सकते हैं यार, ये सब ये मेरे बच्चे ऐसे ही, आप सबके बच्चे ऐसे ही हैं। प्लीज मुझे जरूर बताना कल के उसमें ना, कमेंट करके जरूर बताना। सबके ऐसे होते हैं, आपको तो फिर भी शरीफ इतने प्यारे बच्चे मिले दो, एक तो अच्छा बच्चा है उसमें से मैं अच्छी हूँ मम्मी ने। सो गाइज आज का व्लॉग हम यही एंड करेंगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड